ये देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी हल्की हल्की बारिश हुई थी और कितना अच्छा मौसम हो गया वहाँ पर। आप देख सकते हैं कपिल है वहाँ पर, और कपिल अभी वंदना की एक वीडियो बना रहा है कपिल, और मुझे लगता है निखिल भी यहीं पर मौजूद होगा। अरे वाह, यहाँ पर देखिए गाइस, निखिल भी है। ये निखिल है, क्यूट सा निखिल। ये वंदना है, प्यूट सी। हाँ दीदी, निखिल करो। ये कपिल कैमरामैन, छोटे कैमरामैन। और गाइस चलिए अब हम आपको एक टूर देते हैं हमारे खेत का। ये देखिए फ्लावर्स लग रहे हैं रेड रेड, कितने प्यारे यहाँ पर। और यहाँ पर हम आपको खेत दिखाते हैं हमारा। ये देखिए गाइस, अमेजिंग व्यू हियर। वाह, तो फ्रेंड्स ये देखिए क्षमा तैयार हो चुकी है, और अगेन से घर पे बारिश होने लगी। हम लोग मंदिर जा रहे थे पर हम मंदिर नहीं जा पाएंगे अब, क्यों? मंदिर में थोड़ी ना टीन है जो आवाज आएगी पानी। तो हम लोग करने वाले हैं शूटिंग यहाँ पर, नहीं यहीं पर कर रहे हैं अब। तो मंदिर जाने वाले थे बट अफसोस अब हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बारिश की वजह से। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बारिश भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी बारिश, शायद जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जस्ट जोक, जस्ट जोक। बैक अंदर से चमा रेडी करें, तवाना भी रोल चल रहा है तुम्हारा। ये गाइस देखिए बारिश में चमा अपनी चप्पलों को साइड में रख रही है ताकि और ना भीगे। चमा इनको अंदर रख देना, तो जब तुम जाओगी तो इनका पानी निकल जाएगा। चमा की चप्पलों में पानी भर गया। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मंदिर में शूटिंग करने। चमा चमा चमा, जाओ बाहर, जाओ बाहर से सीढ़ियाँ चढ़कर आओ। सो गाइस देखिए वहाँ से वंदना भी आ गई है मंदिर, पानी का नज़ारा देखते हुए। ऐसा मौसम बहुत कम देखने मिलता है गाइस, हम लोग हमेशा गर्मी में तपते हैं। हाँ, हमारी वंदना प्रजापति। और अभी हम लोग मंदिर में आए हुए हैं शूटिंग करने के लिए, तो हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं। भुलक्कड़ बहन जिसमें चमक करने वाली है, भुलक्कड़ बहन का ऋषिका है बड़ी बहन, जो बड़ी बहन जो गाइस दीदी बहुत काली दिख रही थी, काली मत दिखा। मोड़ी तो मार बहुत तेज आ रहा है। अब बोलो उतरियो मैन दिख रहा है। देखिए गाइस दीदी कितनी छोटी है। गाइस देखो मैं तुमको पूरा मंदिर बताता हूँ। गाइस जी हैं भगवान, हम जहाँ पे रोल लेंगे, और जी दीपक भैया हैं। चमा रेडी। गाइस देखिए चमा का आने वाला सीन चल रहा है। गाइस गाइस और जी हसरंजे खिलखिला रही है, कितनी टिड्डी जैसी दिख रही है। मैं यहाँ पोल डांस करने वाली हूँ, देखो पोल डांस। रुक जाओ रुक जाओ, आप करो करो पोल डांस करने वाले हो। देखिए चार दिनों का बनाना है वंदना। अरे यार दीदी हटो। जी भगवान जी, अगर आपने आपके पापा शंकर भगवान जी ने नहीं सुनी तो आप तो उनकी बेटी। अभी हम लोग आए हुए हैं एक रोटी जलाने का सीन। क्षमा भुलक्कड़ है तो रोटी रख करके भूल गई है, तो अभी देखिए इसमें से देखते हैं धुआं निकल रहा है कि नहीं। ये निकलने लगा, जैसे ही धुआं निकलेगा तो फिर हम अपना सीन यहाँ पर लेंगे और वेट कर रहे हैं। पहले भी अच्छा निकल रहा था, ऋषि का धुआं अब तो जलने लगी, जला नहीं था। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हुए हैं बाहर हमारा सीन लेने के लिए, और क्षमा है वो अंदर से कुछ खाने की चीज़ें फेंकेगी जो कि ऋषि का के ऊपर आग गिर पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम लोग वो सीन लेने वाले हैं। और गाइस आज का मौसम तो कुछ पूछो मत, इतना प्यारा है। एक साथ हाँ, उसने कैसे अलग अलग फेंके थे क्या? अलग अलग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं आया था क्या? तो ले लो दोबारा। सो गाइस देखिए अभी हल्की हल्की सी फुर्री टाइप की ओस आ रही है। सो दिस वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल गाइस, और हमारा पूरा गाँव बिल्कुल एकदम हरा भरा हो गया है चारों तरफ। ये देखिए दिस व्यू इज़ वेरी अमेजिंग, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सीन्स हमारे देते हैं। तो गाइज देखिए क्षमा का सीन चल रहा है यहाँ पे, और ये मम्मी खड़ी हुई हैं बंजारन हो जैसी। तो गाइज देखिए ये अभी हम लोग अंदर शूटिंग कर रहे थे यहाँ पर। क्षमा क्षमा मैं आपकी एक वीडियो बनाऊँ शॉर्ट डांस करना, आप कौन से गाने पे आता है आपको डांस करना? वो तो कर लिया क्षमा ने उस गाने पर, तो नया गाना सीखा क्षमा आपने कहीं का? नए गाने पर आपको डांस आता है क्या? कौन सा गाने? तो बहुत अच्छा है। नहीं तुमको नहीं आता है क्या गाना? फिर लेना ही सुने नहीं है। परम सुंदरी
नहीं आता बचपन का प्यार आता है। ठीक है, और कौन से गाने भी आता है भाई? अच्छा लगा बचपन का प्यार और हाय मेरी परम परम बुलाने। अभी हम लोग देखिए दोस्तों छत पर आए हुए हैं, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। यहाँ पर हमारी बड़ी मम्मी आ रही हैं गाइस, जिनको ये पैरालाइज है, और ये क्षमा है। यहाँ पर हमारी इधर शूटिंग हो रही है, इधर हमारा खेत है जो छत पर पूरे दिख रहा है। यहाँ पर चल रहा है थंबनेल, क्षमा का थंबनेल, और कुछ ही दिनों बाद क्षमा एकदम ठीक हो जाती है, क्षमा की बुलक्कड़ की आदत चली जाती है इस तरह। कब तो रही है।